नेपाल चला चीन के रास्ते, भारत के खिलाफ लिया एक बड़ा कदम। आइए जानते हैं दोस्तों वो क्या है वो कदम। भारत से नेपाल जाने वाली फल सब्जियों के रोक पर एक रीट की सुनवाई करते हुए नेपाल के सर्वोच्च अदालत ने बृहस्पतिवार को बगैर लैब परीक्षण के इनके आयात पर रोक लगा दी। इसके बाद नेपाल सरकार के फरमान पर नेपाल कस्टम ने भारतीय फल सब्जियों की गाड़ियों पर फिर से रोक लगा दी। इससे पहले भी रोक लगाई थी, इंडिया के कड़े आपत्ति के बाद उन्होंने रोक हटा ली थी, लेकिन फिर वापस लगा दी गई है दोस्तों। अब भारत से वही फल और सब्जियां नेपाल भेजी जा सकती है जिसे लैब टेस्ट की हरी झंडी मिलेगी। दोस्तों ये समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, जब से चाइना ने नेपाल में इन्वेस्टमेंट चालू किया तब से ऐसा होने जा रहा है दोस्तों। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आनंद मोहन ने ज्योति पनिया की शिकायत पर बहस के दौरान नेपाल सरकार के मंत्रिमंडल के फैसलों को गलत ठहराया। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार सभी भंसार कार्यालयों को नज़दीकी प्रयोगशाला में लैब टेस्ट कराने का निर्देश दिए। अब दोस्तों भारतीय व्यापारियों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है, अब बढ़ गई है। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, भारत नेपाल की सोनैली सीमा से प्रतिदिन छोटे बड़े सैकड़ों मालवाहक फल सब्जियां भेजी जाती है। ये भारत में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कानपुर, बस्ती, बनारस, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज आदि जिलों से आती है दोस्तों। व्यापारियों का कहना है कि दूर के सफ़र से 20% तक माल तो रास्ते में ही ख़राब हो जाते हैं। अब नेपाल सरकार इस फैसले से छोटे छोटे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ चुकी है दोस्तों। नेपाल का ये कदम इंडिया के खिलाफ बहुत ही खराब कदम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खराब है। हमें लग रहा है शायद वो चाइना के दबाव में इस तरह की कुछ हरकत करने को तैयार हो गया है। हमें कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी पड़ेगी नेपाल को काउंटर करने के लिए। थैंक यू।